दिल्ली से सटे हुए गौतम बुद्ध नगर में अभी हाल ही में एक दुर्घटना हो गई। एक अनरिकॉग्नाइज स्कूल की छत गिर गई, जिससे एक बच्चे की मृत्यु हो गई और बहुत सारे बच्चे जख्मी हो गए। आनंद फानंद में ही अधिकारियों ने वहां बहुत सारे अनरिकॉग्नाइज स्कूल को बंद कर दिया। हमने ये जानना उचित समझा कि हम देखें कि अनरिकॉग्नाइज स्कूल के पास में सरकारी स्कूल है क्या, वो दाखिला ले पाएंगे या नहीं। इसलिए हमारी टीम ने गौतम बुद्ध नगर का दौरा किया। दो सौ बच्चे और अब जो ये हादसा हो गया, तो अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? एक बच्चे कहाँ जाएंगे, लेकिन तो माँ बाप की राजी है, क्या करेंगे? क्योंकि तो अब आता है आस पास कोई और भी स्कूल है? हाँ, सरकारी है। सरकारी स्कूल कहाँ पर है, कितनी दूर पे? थोड़ी सी यहाँ से आगे निकलोगे अस्पताल है, इससे आगे थोड़ा सा स्कूल है और प्राइवेट हुआ है, प्राइवेट सामने गली गली में कई सारे अंक। हाँ, अंकित वाला वो भी स्कूल तो प्राइवेट बहुत खुले हुए हैं, इधर को खुले हुए इधर खुले हुए, मतलब 10-12 स्कूल तो होंगे इस एरिया में आस पास। और सरकारी स्कूल एक ही है? सरकारी। ऐसा हम अभी तो माँ बाप चाहें कहाँ भेजना है कहाँ नहीं भेजना है, ये स्कूल वाले थोड़े करेंगे कि हमारे स्कूल में कर दो। तो प्रशासन ने क्या स्कूल बंद कराया है या उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने स्कूल खुद बंद कराया? नहीं बंद कराया, वो खोलेंगे अभी केस की वजह से, जो जो जिसकी दीवार गिरी है उसकी वजह से अभी वो जेल में बंद है। जिसकी दीवार गिरी है? हाँ, वो अभी क्या चाहता है, दफे क्या चाहता है, राजीनामा क्या चाहता है, जैसे जब जब खुले स्कूल तो खुलेगा, स्कूल बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे तो सरकारी भी जा सकते हैं, वो यहाँ पे प्राइवेट में भी जा सकते हैं। प्राइवेट बेचारे पर किसी पे फिर इतना पैसा है, किसी पे नहीं है। नहीं तो सरकारी में तो फिर भी फीस कम ही होगी ना इससे तो? हाँ, इस पे फीस कम है। और इसकी फीस आपको पता है? इसकी फीस हाथ है 200-250 रुपये फीस है। कौन सी क्लास की? दूसरी, तीसरी। कितने तक के बच्चे होते हैं? पाँचवीं तक बच्चे। पाँचवीं तक के स्कूल है। गौ से फार्म भरवा के ये अपना कोर्स करवा देता मास्टर, अच्छा मास्टर है, होशियार सैनी सर नाम था उनका। हम ऐसा है कि मास्टर से जुड़ जाते हैं बच्चे तो फार्म भरवा के कहीं पेपर दबा देता, और अच्छा मास्टर होशियार था। हाँ, सरकारी में खाना आता है। हाँ, सरकारी में खाना आता है, प्राइवेट में किसी में नहीं आ रहा है। अरे चाहे तो कि स्कूल चलेगा, पर अभी नहीं, मैं कहती केस फाइल है जाए तो कैसे चल जाएगा। क्या काम चल रहा था जब दीवार गिरी है? अपने आप चल रहा था, 11:30 दीवार गिरी है, 11:30 लंच खत्म करके 8 का स्कूल है और 11 लंच हुआ था, तो लंच खत्म करके जैसे ही बच्चे बैठा रहे उधर पानी से छिड़क दो, उधर बच्चे जैसे बैठा रहे जैसे दीवार गिर रही है। उन्हें सैनी की हालत है कि मास्टर की कोई गलती नहीं है। अब हमें यहाँ खड़े हो मकान जा पर है तो किसकी गलती है, है? तो एक दाब डाल दो, वो बात है नहीं, वो मास्टर हाँ। की नहीं है। अगर ये स्कूल खुलेगा तो
पढ़ाई अच्छी है, सरकारी में कोई पढ़ाता होगा तो भेजें सरकारी में, नॉम के सरकारी बना रखे हैं बस, पढ़ाई बच्चे तो बाहर खेलते रहे, स्कूल में सरकारी मास्टर तो पढ़ाते पढ़ाते नॉम स्कूल जाते हैं बच्चे बाहर खेल रहे हैं, वो उसका वो नाम है जूनियर हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल पढ़ाई अच्छी है तो बच्चे क्यों बाहर खेले, जूनियर स्कूल है सरकारी में तो नहीं पढ़ाई, दो स्कूल एक छोटा ही बड़ा, एक से पाँच तक, एक पाँच तक एक छः से लेकर आठ तक स्कूल पढ़ाना पड़ेगा सरकारी में, बहुत सारे स्कूल है आस पास, स्कूल बहुत है ऐसे जैसे ये है प्राइवेट है और सारे प्राइवेट है, जी सोन स्कूल है या स्कूल बड़ा लग रहा है, मेरा एक छोटा सेकंड में था और ये बाहर बाहर में था कर रहे हैं, ये हाँ दीदी मौत से बनवाने वाले पैदा ना हो रहे हैं, तो पांचवी तक ही उसके बाद ही तो आपको बदलना ही पड़ेगा। इंसिडेंस आपके विद्यालय में हुई जी, वो क्या थी और कैसे हुई? अच्छा हाँ, लंच का टाइम था, लंच होने को जा रहा था सर, तो मात्र 10 मिनट के लिए बच्चे उधर बैठा दिए, इधर जो है पानी का छिड़काव करा दिया था तो बच्चे इधर बैठा दिए, मतलब विद इन 10 मिनट्स का मामला है, ये 10 मिनट की बात है। हमने कहा भाई ये जो पानी छिड़कवा दिया अभी मिट्टी सही सी होगी, अब बच्चों को इधर शिफ्ट कर देंगे, उन्हीं विद इन 10 मिनट्स में एकदम से दीवार आई और वो दीवार जो थी एकदम गिर गई, मैं होपलेस हो गया, हक्का बक्का हो गया, मैडम होपलेस हो गई, लेकिन बच्चे जो थोड़े बड़े बड़े से थे उन्होंने बच्चों के जो बच्चे थे हाँ उन्होंने बच्चों को निकाला उन्होंने निकाला, मेरा मानसिक संतुलन खराब हो गया सर उस समय, लेकिन मैं वहीं था, सारे बच्चे जो फिर वहाँ भेज मतलब जैसे एम्बुलेंस मंगा ली, सब बच्चे वहाँ भेज दिए एम्बुलेंस में, तो ये घटना थी सर वहाँ। गलती किधर से है? हाँ सर ये बता, ऐसा है सर उस दीवार को बने हुए जो दीवार गिरी है ना सर दूसरे आदमी की, उस दीवार को बने लगभग 6-7 दिन हो गए और अंदर की तरफ उधर की तरफ काम कर रहे थे वो लोग, 6-7 दिन हो गई थी वो दीवार कंस्ट्रक्ट हुए हुए, हाँ उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा सर, काम नहीं हो रहा था उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा उधर, वो तो अंदर की तरफ को जिधर को मुंह करके मकान बना रहे ना उधर को फ्रंट है उनका, उधर वो काम कर रहे थे, तो अचानक वो दीवार आई सर, तो उसमें आपके हिसाब से क्या लगता है कि वो दीवार कच्ची थी या कोई इंसिडेंस हुई अब या मट्टी नीचे की ठीक नहीं थी जिससे कि दीवार भसक के गिर गई? हमने कुछ नहीं सुना, उधर साइड क्या हो रहा हमने ये थी। अच्छा आपकी दीवार पूरी जो विद्यालय की दीवार है हाँ जी, जो 5-4 फुट की ऊपर बनी हुई है, 5-6 फुट की बनी हुई है ना, वो क्या पूरी बनी हुई थी? वो तो लास्ट तक बनी हुई सर, बनी हुई है नहीं बनी हुई थी क्या? हाँ लास्ट तक बनी हुई थी, वो तो गिर गई इसमें, वो जैसे दीवार गिरी तो उसके साथ हमारी भी दीवार गिर गई। नहीं मेरा जो पूछना उसका आप सही से जवाब दें। अच्छा। कि जो वो दीवार यहाँ से लेके वहाँ तक बनी हुई थी आपकी, आपके विद्यालय की पूरी दीवार बनी थी जी, आपके हिसाब से वो पूरी दीवार बनी थी, बगल वाले ने बगल से दीवार उठाई अपनी खड़ी कर दी 10 फुट की 15 फुट की जिसमें कि अपने लेंटर मारेगा क्या करेगा वो जाने, अब वो दीवार गिरी तो आपकी दीवार साथ में गिर गई? हाँ जी वो तो हमारी दीवार को भी मतलब पूरी को जहाँ तक जितनी भी लेंथ है उसकी लेंथ थी उसने हमारी दीवार को उसने गिरा दिया अपने साथ, उसकी वो भी गिरी और हमारी भी गिरी। अब मान्यता प्राप्त है सर? मान्यता प्राप्त नहीं लेकिन रजिस्ट्रेशन करा रखा है मान्यता के लिए, इस बार मैंने पूछताछ की थी, उन्होंने कहा भाई इसमें स्कूल नहीं चलेगा,
तुम कमरे और ले लो 12x15 जो भी उनकी वो होती है उन्होंने बताया कि तो हम मान्यता लेने की प्रोसेस में लगे थे। तो अभी आपका जो विद्यालय है वो कितने क्लास तक का आपको पास है? जो नहीं स्कूल 8वीं तक का। 8वीं तक का पास है, आप 8वीं तक के स्कूल चला सकते हैं? नहीं चला सकते सर, मान्यता नहीं। तो मान्यता होनी चाहिए ना सर। तो आपके पास कितने तक का पास है यही तो पूछ रहा हूँ मैं। 1-8 तक है पर मान्यता नहीं है किसी भी प्रकार की, कोई मान्यता रजिस्ट्रेशन करा रखा है। रजिस्ट्रेशन करा रखा। कितने बच्चे थे आपके स्कूल में? 114 है लेकिन कुछ बच्चे एडमिशन थे तो उनको लगा के 120 हो गए थे। आपका शुभ नाम सर पूरा? मेरा नाम जनेश्वर प्रसाद सैनी सर। जनेश्वर प्रसाद सैनी। आपका क्या है? कविता शर्मा। कविता शर्मा। कविता शर्मा। आप क्या टीचर थे वहाँ पे? अच्छा, उनके साथ शिक्षिका थे। 50% भी बच्चे सही नहीं थे सर। तो इस तरीके के आसपास आपके हिसाब से कितने विद्यालय होंगे जिनमें कि जैसे आप चला रहे हैं आपके हिसाब से? इस बारे में तो सर मैं नहीं बता सकता कि मान्यता प्राप्त तो किसी ने 5वीं तक, किसी ने 8वीं तक, हो सकता ले ही रखी है शायद। हम कितने हैं सर इसके बारे में? बच्चे स्कूल में आते घर घर जा करके बुलाते हैं उन गरीब बच्चों को। ज्यादातर दलित वर्ग समझिए आप लोग, कमजोर मतलब जो है गरीब बच्चे ज्यादातर। तो आपने भी देखा होगा हॉस्पिटल में कोई ऐसा मीडियम साइज का भी फैमिली का बच्चा नहीं था वहाँ पर, सारे बिल्कुल जो ऐसा है कि सुबह काम कर मतलब इस पूरे बरौना के अंदर मैं आपसे बता रहा हूँ सर, सबसे ज्यादा गरीब हमारा स्कूल था। तो आप लगा ऐसा स्कूल बरौना में कहीं नहीं मिलेगा जो इस तरह के बच्चे किसी स्कूल में हो। किसी में फीस है तो भी ठीक है, किसी में नहीं है तो भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। टीचर तो 7 आपको मिला के, आपको आप दोनों को मिला के 7 लोग हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं। 120 टीचर। कितने सेक्शन मतलब? तो आपके पास वहाँ पे तो हमने देखा 5 कमरे तो बने हुए हैं, तो फिर आप बाहर क्यों? मैडम जी सेट जो ये था ना बैठाते तो अंदर ही है, सफाई करा रहे थे। बाहर सेट जो पड़ा हुआ है वो अभी डलवाया था सर ने कि बच्चों को, छोटे बच्चों को इसमें बैठा दिया। LKG UKG नर्सरी के बहुत कम बच्चे हैं, सारे टोटल हैं 45 तीनों क्लासेस, तो वहाँ हम उनको बैठाते थे। मैं वहाँ थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला वहाँ धूल उड़ रही थी, तो मैंने कहा बेटा आप गंदे हो जाते हो, थोड़ी देर इधर बैठ जाओ, मैं यहाँ पानी छिड़क देती हूँ तो थोड़ा दब जाएगा। ज़्यादा भी सिर्फ 10 मिनट हुए होंगे, मैंने उनको बैठाया, मैं उनसे बच्चों से बोल के पानी छिड़क दो और वहाँ मैं आके बैठ गई। सिर्फ 10 मिनट के बीच ये सब कुछ हुआ है। मैं उठी हूँ वहाँ से, थोड़ा सा आगे चली, देखा मैंने पीछे मुड़ के देखा तो दीवार आई है, मेरे मुँह से इतना निकला कि सर दीवार गिर गई, वो इतने नीचे गिर। फिर किसी ने कुछ नहीं देखा, टीचरों ने, बच्चों ने और आसपास के जो लोग भी आए क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ हुई थी। तो आसपास एक ही क्लास के बच्चे बैठे थे? हाँ नहीं, नर्सरी LKG UKG बच्चे थोड़े बहुत हैं ना, छोटे बच्चे, बहुत थोड़े हैं सर। मैडम फर्स्ट क्लास में 4 बच्चे हैं, सेकंड में 3 बच्चे हैं, बच्चे बहुत कम हैं, इसीलिए 120 बताए सारे बच्चे 8 तक। छोटी क्लास में बच्चे ज़्यादा थे, बड़ी क्लास में तो बहुत ही कम बहुत लोग थे। मुझे लगा 10-7805 विद्यालय का कोड यही है। कौन सा जिला आता है आपका? जीवी नगर, गौतम बुद्ध नगर। एक मिनट एक सूचना एक मिनट। Thank you.
ये निकिता से है ना, निकिता से दो तीन ये बच्चे सारे छोटे इन सबसे एक बच्चा बात नहीं है सात सात बच्चे हैं इसके दीवार में बिल्कुल लिख लिया उन्होंने और एक स्कूल और है हमारे यहाँ कन्या पाठशाला उसमें भी एडमिशन हुआ है उस स्कूल के बच्चे वहाँ भी गए सामने नंबर दो हाँ ये फर्स्ट है फर्स्ट है वहाँ सेकेंड भी है एक और है प्राइमरी दो प्राइमरी आपका ये कोई स्कूल है ना हाँ नहीं ये फर्स्ट है हमारा नहीं कोएड है बच्चों के लिए ना बच्चों के लिए घर में है बच्चों के लिए बने तो लेकिन चालू नहीं नहीं अच्छा DCM का नंबर ले लो आप अपना स्कूल का कोड बता दीजिए जो आप जो भरते हो ना वो फॉर्म भर नहीं जो पूरा वो 11 डिजिट का नंबर आप भरते हो ना स्कूल का आप जिला आंकड़ा संग्रह प्रपत्र जो भरते हो उसका कोड बता दीजिए आप कॉपी रखते हो गए जो भर के देते हो आप बता रहे थे कि कुछ आपके यहाँ भी एडमिशन हुए हैं अच्छा हुए होंगे तो वो फिर प्रॉपर हमें उन्होंने नहीं बताया कि उस स्कूल से आए कुछ एडमिशन तो हुए हैं अभी लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हम वहाँ के हैं उधर के बच्चे हैं इसलिए हुए हैं आपके विद्यालय की कितनी स्ट्रेंथ है मेरी है 229 जी ये बच्चे होंगे मेरे कुछ ना अभी हाल में कितने बच्चे इन 10 दिनों हाँ 10 दिन तो हो गए उस हादसे को अथवा संस्था यदि बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित करता है तो ऐसी दशा में उन्हें 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा तथा मान्यता के प्रावधानों का उल्लंघन जारी रखने पर 10,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना
भी किया जा सकता है। यह आपके लिए अंतिम आदेश है। अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध उचित धाराओं के अतिरिक्त अभिभावकों के साथ धोखाधड़ी एवं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। मेरी की मृत बच्ची हो गई थी, वहाँ पे हम इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे। वहाँ हमने पाया कि बाउंड्री वॉल बहुत ही कच्ची थी, उसकी वजह से दूसरी जो कंस्ट्रक्शन वॉल थी वो उसके ऊपर गिर गई और उसके साथ में जो बच्चे बैठे थे उनमें से एक की मृत्यु हो गई। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि वहाँ की हेडमास्टर की रेपुटेशन अच्छी है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए वो लोग गवर्नमेंट स्कूल में ना भेज के वो प्राइवेट अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल में बच्चों को भेजना चाह रहे हैं। गरीब तबके के बच्चे आसपास के ही थे, जो वहाँ झुग्गी पड़ी हुई है सब उन्हीं के बच्चे थे। बच्चे स्कूल में नहीं आते, घर घर जा करके बुलाते हैं उन गरीब बच्चों को। ज्यादातर दलित वर्ग समझिए आप लोग, कमजोर मतलब जो है गरीब बच्चे ज्यादातर। वो तो आपने भी देखा होगा हॉस्पिटल में कोई ऐसा मीडियम साइज का भी फैमिली का बच्चा नहीं था वहाँ पर, सारे बिल्कुल जो ऐसा है कि सुबह काम कर मतलब इस पूरे कोरोना के अंदर मैं आपसे बता रहा हूँ सर, सबसे ज्यादा गरीब हमारा स्कूल था। तो आप लगा ऐसा स्कूल कोरोना में कहीं नहीं मिलने का जो इस तरह के बच्चे किसी स्कूल में हो। मेरी बात तो यही मन में आई कि इतने इनके पास अरेंजमेंट भी था, क्लासरूम भी थे, तो इन्होंने बाहर क्यों बिठाया बच्चों को? अगर बिठाया भी है किसी रीजन से, तो जब इन्हें देख रहा है कि साइड में अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है या वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो उनको नहीं बिठाना चाहिए। बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में या सरकारी विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहते, क्या कारण है? जबकि इस विद्यालय में फीस, मिड डे मील, यूनिफॉर्म, बुक्स, सारी चीज़ें फ्री में बिना किसी मूल्य के प्रोवाइड कराई जाती हैं, फिर भी बच्चों के माता पिता प्राइवेट स्कूलों में ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं, भले ही वो गैर मान्यता प्राप्त को न हो। अगर ये स्कूल खुलेगा तो मैं इसी में देखूंगी, स्कूल वाले गंदी रहेंगे, स्कूल की पढ़ाई अच्छी होती है। सरकारी बना रखे हैं, तनखा ले रहे हैं स्कूल में सरकारी मास्टर, तो पढ़ाते पढ़ाते ना स्कूल जाते हैं। स्कूल के बारे में सोचना चाहिए, जहाँ पे बहुत सारी चीजें फैसिलिटीज फ्री है, पक्का बिल्डिंग है, पढ़ाई भी होती है। सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में ये हम लोग नहीं कह सकते कि पढ़ाई नहीं होती है। माता पिता को चाहिए कि आसपास के स्कूल्स देख के उसके बाद ही बच्चों को वहाँ स्कूल। तो प्राइवेट बहुत खुले हुए हैं, इधर को खुले हुए इधर खुले हुए, मतलब 10-12 स्कूल तो होंगे इसी एरिया में आसपास। और सरकारी स्कूल एक ही है, सरकारी स्कूल। तो जो जाते बच्चे तो फार्म भरवा के कहीं पेपर दबा देता, और अच्छा मास्टर होशियार था, उनकी सैनिक की हालत है कि मास्टर की कोई गलती नहीं। अब हमें यहाँ खड़े हैं और मकान जा पर है, तो किसकी गलती है? शुक्रवार को गौतम बुद्ध नगर में एक स्कूल में जो दुर्घटना घटी, उसके बाद में जनपद के अधिकारियों ने एक मुहिम चलाई और सारी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की जानकारी हासिल करने का एक प्रयास किया। अब तक करीबन 272 अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल पूरे गौतम बुद्ध नगर में आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। उसमें से बिसरक ब्लॉक में 90 स्कूल, दादरी में 64 स्कूल, धनकोर में 80 स्कूल और जेवर में 38 स्कूल को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार 18 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को और 30 अक्टूबर को बहुत सारे ये जो अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल है उनको बंद करने के आदेश दिए गए हैं, और इस तरह अभी तक 174 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये सूची जो 272 स्कूलों की है, इसमें और भी नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे जानकारियां आ रही है
उसी हिसाब से आदेश निकाले गए हैं। यहाँ पर यह सोचने की बात है कि अभी तक जो स्कूल बंद किए गए हैं उनके बारे में बिल्कुल भी सूचना नहीं है। कितना नामांकन है, कौन सी कक्षाओं तक ये स्कूल चल रही है, ये जानकारी जिला में अभी उपलब्ध नहीं है। और ये मान के चला गया है कि ये सारे बच्चे हैं पास के सरकारी स्कूलों में दाखिला ले लेंगे। अभी तक पूरी जानकारी नहीं है इनमें से कितने बच्चों ने सरकारी स्कूलों में दाखिले ले लिए हैं। सरकारी स्कूल उपलब्ध तो है, लेकिन ये बच्चे जो आज अनरिकॉग्नाइज स्कूल में हैं, हो सकता है कि अगर प्रयास न किए गए तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, विद्यालय से वंचित रह जाएंगे। ये बहुत ही शोचनीय विषय है। गौतम बुद्ध नगर में तो इन 272 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाकी के जो 74 जिले हैं उसमें कितनी अनरिकॉग्नाइज स्कूल है, उसमें कितने बच्चे हैं, ये जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। ये माना जा सकता है कि इन सभी विद्यालयों में सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं और एक आदेश के अनुसार अगर इनको बंद कर दिया जाए तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे विद्यालय से वंचित हो जाएंगे। बुद्ध नगर ने करीबन 272 अनरिकॉग्नाइज स्कूल को आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन एक्चुअल संख्या गौतम बुद्ध नगर में और पूरे उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न आंकड़े उपलब्ध है उसके अनुसार इनसे बहुत ज़्यादा है। अगर ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे जो 2009-10 में हुआ था उसकी माने तो पूरे उत्तर प्रदेश में करीबन 6,700 अनरिकॉग्नाइज स्कूल थे। उनमें करीबन 4,60,000 बच्चे प्राइमरी में और 1,50,000 बच्चे अपर प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ रहे थे। पूरे भारत में 2009-10 में ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे के हिसाब से करीबन 39,000 अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल पूरे भारतवर्ष में थी और इन स्कूल में करीबन 31,00,000 बच्चे पढ़ रहे थे। हो सकता है इनकी स्कूलों की संख्या इनसे कुछ ज़्यादा हो, या आरटी आने के बाद में इनमें से कुछ विद्यालय जो अनरिकॉग्नाइज थे वो तो मान्यता प्राप्त कर ली है, या बाकी के बंद हो गए हैं, या इनमें से कुछ चल भी रहे होंगे। डाइस के ताजा 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार पूरे भारतवर्ष में करीबन 21,351 अनरिकॉग्नाइज्ड यानी कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय थे। इसके साथ साथ करीबन 4,431 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी थे। इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसा और स्कूलों में करीबन 47,00,000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ रहे थे। अब ये समय आ गया है राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट हुए, लागू हुए 4 साल से भी ज़्यादा वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी पूरे भारतवर्ष में इन विद्यालयों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। हम इनको ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें ये पूरा इंश्योर करना पड़ेगा इन स्कूलों को बंद करने से पहले कि इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, इन बच्चों को आसपास के सरकारी या प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन कराने की पूरी कोशिश करनी होगी, तभी जाके हम प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।